क्या आपको कोई साउंड बार खरीदना है? अगर दोस्तों आप दिवाली पे या दिवाली के कुछ दिन बाद तक कोई साउंड बार खरीदने वाले हैं या खरीदना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी साउंड बार आप बेस्ट प्राइस में बेस्ट साउंड के साथ बाय कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साउंड कोर की इन्फिनिटी प्रो साउंड बार की। दोस्तों इस साउंड बार में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आज आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डीप बास के साथ साथ आपको 120 वाट की साउंड आउटपुट मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको हर प्रकार की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। HDMI इनपुट भी है, HDMI आउटपुट भी है और ऑप्टिकल पोर्ट के साथ आपको BT 5.0 की सपोर्ट मिलेगी। दोस्तों अगर आप डीप बास को बिना सब ऊपर के एंजॉय करना चाहते हैं तो ये साउंड बार परफेक्ट है। दोस्तों इसका प्राइस अगर हम देखें तो 8,999 रुपये की रेंज में आपको ये फ्लिपकार्ट पे दिवाली सेल में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डीप बास भी हो और ज़्यादा जगह भी ना घेरे, आपको सब ऊपर की जरूरत ना पड़े, तो ये साउंड बार बेस्ट है। अगर आप डोल्बी ऑटोमोस की सबसे लो प्राइस की साउंड बार के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो ये बेस्ट से बेस्ट है। दोस्तों मेरे पास ये खुद के पास है, मैं इसका रिव्यू डालने वाला हूँ और मैंने इसको काफ़ी दिनों से यूज़ करके देखा है तो मुझे ये बेस्ट से बेस्ट लग रही है। क्योंकि मैंने इससे पहले सोनी की साउंड बार ली थी और उसे मैंने रिटर्न किया था फ्लिपकार्ट को, तो मैंने उसे भी चेक किया था अच्छे से, तो सोनी की 20,000 में मिलने वाली साउंड बार को ये बीट कर देती है आराम से। तो इसे आप बेझिझक खरीद सकते हैं। दोस्तों इसमें एक दो कमियाँ भी है लेकिन इसके साउंड के आगे वो कमियाँ छिपी रहती है, यानी आप उन्हें इग्नोर कर दोगे। जैसे कि 3 सेकंड तक ये लैग करती है, यानी 3 सेकंड के बाद ये साउंड आउटपुट देती है। एक PC यूज़र के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और परफेक्ट साउंड बार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें SDI इनपुट है तो ये PC यूज़र के लिए बहुत ही अच्छी साउंड बार है, क्योंकि PC के अंदर आपको ऑप्टिकल और ARC ये सपोर्ट नहीं मिलेंगे, तो HDMI डायरेक्ट केबल ही काम दे।